से? इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है, तो डर किसी से डरा नहीं जाता, कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हाँ, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज के और दूसरे जितने फेज हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वर्चुअल रैलीज भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। सर, आपकी रैलियों में काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है, ये भी कहा जाता है कि आपकी रैलियों में भीड़ लाई नहीं जाती, खुद इकट्ठा होती है और आपको यूपी में रिस्पॉन्स भी मिलता है, ऐसी स्थिति में जब इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगे तो आपको नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा जो आप फिजिकल रैलियाँ नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो देखिए हम अकेले तो नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि फिजिकल रैलीज अलाउ नहीं करेंगे, तो जब किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि वर्चुअल रैली करें, सोशल मीडिया पे और डिजिटल मीडिया पे अपने प्रेजेंस को बढ़ाएं और वो कोशिश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और भी सहूलत दी है कि अगर एक हॉल होगा उसमें 50% कैपेसिटी पर आप वहाँ पर मीटिंग कर सकते, तो वो भी हम लोग देखेंगे। हम अकेले पार्टी तो नहीं है इसमें, सब पार्टीज़ हैं उसमें, तो ज़ाहिर है सबको इस बात की तकलीफ़ है कि फिजिकल रैलीज नहीं हो रहे हैं, मगर अब जो भी है अब हमको उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, अपने पैगाम को पहुंचाना है और मुझे यकीन है कि जो हमने पिछले 4-5 महीने में मैंने करीब 60 के करीब सभाएं की है उसका भी अच्छा असर होगा। पर सर, क्या कोविड की वजह से रिजल्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ये बताना मुश्किल है कि किस तरीके से कोविड फैलेगा, क्या होगा, बट अब इलेक्शन कमीशन ने अपने विजडम में फैसला लिया है चुनाव कराने का, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज में पूरा अपना ताउन देंगे, कोऑपरेट करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर अपने वोट का इस्तेमाल करें और हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। सर, मौजूदा रिस्ट्रिक्शंस के मद्देनजर आपका हैदराबाद से सुना गया है कि आप हैदराबाद से आप कैंपेनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो लखनऊ में कैंप करने वाले हैं? नहीं नहीं, तो बात बिल्कुल सही है। अब जैसा ही है हमारे कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो जाएगा, प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो यकीनन मैं लखनऊ भी जाऊंगा, वेस्टर्न यूपी में भी जाकर किसी जगह पर अगर हम वर्चुअल रैली करेंगे, आवाम से मुलाकात होगी या जो भी इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस के तहत काम करना है करेंगे। सर, वही पुराना सवाल जो आपके बारे में कहा जाता है कि आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ना कि अपनी सीटें जीतने। अब ये तो इल्ज़ाम ज़िंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती? मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहा सेकुलर पार्टीज़ बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में MIM पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं, ये बुकलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। सर, एक सीनियर जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा है कि आप थोड़ा यूपी इलेक्शन नजदीक आया है, थोड़ा स्लो हो गए, आप उतने तेवर उतना आक्रामकता नहीं रहे। नहीं तो उनको अपनी राय का हक हासिल है, वो सीनियर कितने हैं, जूनियर कितने, मुझे उससे परवाह नहीं है। लोग लिखते रहते हैं, अब उनको खुशी हो रही है या पेट में दर्द हो रहा है मेरे को नहीं मालूम, और हम तो अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, वेल द NCPCR शुड नो दैट
अ फतवा इज व्हाट? अ फतवा इज अ मियर लीगल ओपिनियन गिवन. इट डज नॉट हैव एनी लीगल अकॉर्डिंग टू लीगल सिग्निफिकेंस. इट इज एन ओपिनियन गिवन बाय द उलेमा एंड द स्कॉलर्स and then they have the right to give it. The Supreme Court also had mentioned it in many cases. It's only a legal opinion that has been given, and if they are indulging in such behavior, it clearly shows that they have some vested interest in this. Sir, Imran Masood jo Congress chhod ke SP ki taraf gaye par unko wahan pe bhi ticket nahi mili, to kya MIM unse baat cheet kar rahe hai Imran Masood se? Nahi, Imran Masood sahab se hamari koi contact nahi hai, na unse koi baat cheet hai. हाँ, ये बात सही है कि वो समाजवादी पार्टी में गए, और उसके बाद जो मीडिया की इत्तलात हैं कि वहाँ से भी उनको उनको इज्जत और उनको उनका मुकाम नहीं दिया गया. सर, अभी आपने 9 कैंडिडेट्स ही रिलीज किए हैं और 100 के करीब कैंडिडेट हैं, तो क्या एक साइंटिफिक अप्रोच आप देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रकार के कैंडिडेट्स होने चाहिए, क्योंकि विनिंग हॉर्सेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपके स्ट्रैटेजी कैंडिडेट सेलेक्ट करने में क्या है? देखिए, कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स में, पर यह है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी से लोग काम करते आए हैं, जो वाबस्ता रहे हैं, और जो अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, जो जीत सकेंगे, और उसमें बहुत से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुख्तलिफ कंसिड्रेशन होते हैं, उन तमाम को सामने रख कर ही एक फैसला हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने लिया है, और अच्छा फैसला लिया है. सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने आपको लेटर लिखा? सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने लिखा मुझे लेटर, कोई गलत बात है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता. तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है, कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड सियासत से, अमली सियासत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना वो उनका पोजिशन है. सर, कांग्रेस चीफ पंजाब के कांग्रेस चीफ पूरे मतलब नॉन रूल बीजेपी स्टेट्स गवर्नमेंट्स मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं, एलॉन मस्क के जो कंपनी सेटअप के ट्वीट के ऊपर, और पहला इनिशिएटिव वहीं से लिया गया, केटीआर ने किया था, आप इसका क्या? मैं वेलकम करता हूं जनाब केटीआर रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की, और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो. मैं वेलकम करता हूं केटीआर के स्टेटमेंट का. उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को कायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहां पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है, और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है. उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप अख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आकर. सर, उनका डिमांड्स डिफरेंट है, और ये स्टेट्स मिलकर पॉलिटिक्स करना नहीं हो सेंटर के खिलाफ, तो जो भी डिसीजन लिया जाए मिलजुल के लिए. सिर्फ नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स ही उनको इनवाइट कर रहा है, तो बीजेपी रूल स्टेट भी इन्वाइट करिए, कौन रोक रहा है उनको? कौन रोक रहा है भाई? टेस्ला आना चाहिए ना इंडिया में, क्यों नहीं? बुरी बात क्या है आने में? क्या सिर्फ चीन से इम्पोर्ट बढ़ते रहेगा क्या? भारत का इतना ट्रेड डेफिसिट पैदा हो चुका है कि हिस्टोरिक हो गया है, तो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चीन से हो रहा है, तो क्यों नहीं टेस्ला आने में? क्या है जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रमोट करेंगे, पॉलिसी बनाए हैं, तो यकीनन कोशिश करनी चाहिए. ओनली टाइम विल टेल, बट एज ऑफ नाउ वी आर कम्प्लीटली गेयर्ड एंड रेडी टू फाइट द इलेक्शन. इफ इट हैपेंस विल लेट यू नो. सर, इट इज नाउ द बॉल इज इन NIA कोर्ट. इट इज द NIA's ड्यूटी टू डू जस्टिस टू द पीपल हु हैव डाइड इन दोज इन दैट बॉम्ब ब्लास्ट. द NIA शुड एंश्योर दैट द विक्टिम्स एंड देयर फैमिली गेट अ क्लोजर. And the closure can only happen when the accused are convicted by the courts of law. And that can only happen if NIA does their work with due diligence, with all the honesty and with fairness. Otherwise, I fear that what happened in Makkah Masjid bomb blast case, what happened in Khwaja Ajmeri bomb blast case, what happened in Samjhota bomb blast case, where there has been no justice has been done,
वी डू नॉट वॉन्ट द सेम फेट टू हैपन इन दिस मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस।